बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिकी संसद के निचले सदन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया है। ट्रंप महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में 197 के मुकाबले 232 वोट पड़े हैं। इतना ही नहीं, 10 रिपब्लिकन सांसदों ने भी ट्रंप के खिलाफ वोट डाला है। महाभियोग का प्रस्ताव पास होने के लिए 218 वोटों की जरूरत थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दूसरी बार महाभियोग चलेगा। पिछले हफ्ते ट्रंप समर्थकों ने अमेरिका की संसद में हिंसक प्रदर्शन किया था जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। उसी के बाद समर्थकों को उकसाने के आरोप में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है जो आज वहां के सदन में पास हो गया। अब इस प्रस्ताव पर ऊपरी सदन में बहस होगी। आपको बता दें 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा और महाभियोग की प्रक्रिया अगर आगे बढ़ती है तो इसमें लंबा वक्त लगेगा। ट्रंप अपना एक हफ्ते का बचा हुआ कार्यकाल तो पूरा कर ही लेंगे। On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is laid upon the table. इसी बीच ट्रंप ने एक बयान जारी कर पिछले हफ्ते अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की निंदा की, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव पर वो कुछ नहीं बोले। Violence and vandalism have absolutely no place in our country and no place in our movement.